बेहद परेशान हालत च इकट्ठे हो आपस च गलबात कर रहे खौफजदा इलाका निवासी अते बुरी तरह नुकसाने गए घर ते घरां दे बाहर खड़ियां गड्डियां। बीती रात एक खतरनाक कारे की वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे च रिकॉर्ड हो गई है। मामला है फगवाड़ा दे गुरु अर्जनपुरा इलाके का, जिथे मुहल्ले वाले इकट्ठे हो जो कुछ दस्या वो बेहद मंदभागा ते हैरान करके रख देन वाला है। मामला जिहड़ा कल रात डड्डर महल्ले दे विच कुछ शरारती तत्वां ने जो भी इत्थे गड्डियां खड़ियां सी सारे महल्ले दी आई जिहड़े कि अपने घरां च बेचारे सुत्ते सी उन्हां दीआं शरारती तत्वां के सारीआं गड्डियां तोड़ियां गईआं और ते महल्ले च ललकारे मारे गए। असीं कानून नूं जिहड़े देखदे हां कि बहुत बुरा हाल हो गया कानून दा, सरकार नूं वी चाहुंदे हां ते प्रशासन नूं वी चाहुंदे हां इह इदां दे शरारती तत्वां नत्थ पाई जावे, नहीं तो लोगों का बेचारे का जीना हराम हो जाए। सर जिहड़ा ये कि कोई गैंगवर लगता जां किदां, मतलब कोई इन्हां दा तोड़ पाउण दे विच की कारण? चाहे गैंगवर है चाहे कोई भी है, इदां दे बंदे फड़े जाने चाहिए आ ते लोगों ने जिहड़ा सुख शांति का जीवन अपना बतीत करन, नहीं तो इदां जदों हालात बन जूगे लोग अपने घरां चों प्लान करने मजबूर हो जू। इहनां दा प्रशासन की कमजोरी है, साडे महल्ले दे विच दो गड्डियां परसों रात टुटियां जिहदी कि दरखास्त असीं दित्ती होई है शनिवार की, उस दरखास्त देण दे बावजूद हले तक कोई ना कोई पुछण आया ना कुछ आ, उस दरखास्त की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? असी भी दस रिटर्न असी दी है और नंबर पा के दरखास्त के आए हैं। परसों दो दिन पहला गड्डी के शीशे भन्ने गए, इस बाबत मैं कंप्लेट थाना सिटी की हुई है, अज तक हले तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई प्रशासन का कोई मैंबर इतने नहीं पहुंचा। साड़ी मेरी मंग है कि इस बनती कार्रवाई सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। इसका कारण हले पता नहीं लग सकते, प्रशासन की ड्यूटी बनती है सीधा कारण पता करना, इन्हां जिहड़े शरारती अंसरां नूं नत्थ पाई जाए और साडे जिहड़ा नुकसान होया उहदा भरपाई कराई जाए। अज डड्डन महल्ले गुरु अर्जनपुरा विखे घट्टो घट 13 गड्डियां दे शीशे भन दित्ते गए। हाँ सीसीटीवी कैमरे लगे आ, पुलिस दी पुलिस आप जाँच करके उहदे देखिया जाए, उहनूं पता नहीं कितना कोई झगड़ा जां कोई हैगा आपस च। पूरे महल्ले च जिन्नियां गड्डियां इत्थों लै के धुर तक देखो गड्डियां सारे शीशे सारे तोड़ के शीशे उत्ते भन गए, सारे कृपाना मार मार के 3-3.5 के बीच वारदा। तो जो मुंडे इतने आए हैं एक दो बंदे ने अपने ने महल्याल ने देखे उपरों कोठियां तो उन्होंने हाथ जो हथियार पड़े थे, सारिया गड्डिया जी सारे शीशे भन गए। कैमरे हम आते आप देखे आए भी है, थोड़े बंदे थोड़ा देखते हैं और जो अपनी दुकाना खोल दी जा घर ये आप प्रशासन को बेनती करते हैं कि शहर के गैंगवार जो चल रहा इन कंट्रोल किया जाए, शहर वासी जोड़े आ दहशत घूम रहे थे सारे कंट्रोल किया जाए, शहर माहौल कंट्रोल किया जाए। बहुत नुकसान जिहड़ा जानी नुकसान भी हो सकता कल महल्ले वाले का शहर वाले का, इन्हें कंट्रोल किया जाए जल्दी तो जल्दी। इस मामले च पुलिस का कहना है कि दोषियों की शिनाख्त कर इलाका वाले के बयान से मामला दर्ज किया जाएगा। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੀ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਡੱਡਲ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈ ਗੇਟ ਲੰਬੀ ਗੜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 4-4-5 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਹਜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੀਪਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੱਬਲ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਪਲਾਈ ਗੇਟ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ। खैर इस मामले च पुलिस बयान दर्ज करने लई मुहल्ले वालेयां दा इंतजार कर रही है, पर अजे तक कोई भी इलाका निवासी अगे आ के बयान दर्ज नहीं करवा रहा। हुण पुलिस दा कहना है कि वह वड्डे अफसरां नाल गलबात करके इलाके दा माहौल खराब करन दे दोष च अपने वल्लों मामला दर्ज कर सकती है। हकीकत टीवी पंजाबी लई फगवाड़ा तो दविंदर कुमार की रिपोर्ट।